नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पे बीइंग अ बेस्ट टीचर। आज की इस लेक्चर में हम पाठ्यक्रम का क्या अर्थ होता है, पाठ्यक्रम की क्या परिभाषा है, पाठ्यक्रम के उद्देश्य, विशेषताएं व प्रक्रिया करेंगे। देखिए, ये है एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आपके एग्जाम में डेफिनेटली पूछा जाएगा। तो यहाँ से आप अपना एक क्वेश्चन पक्का कर सकते हैं आज के इस लेक्चर से। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये देखना आवश्यक है कि पाठ्यक्रम का अर्थ क्या है। देखिए, पाठ्यक्रम एक ऐसी नीति है जिसके आधार पर समस्त शिक्षण कार्यों का यहाँ पे क्रियान्वयन किया जाता है। मतलब कि देखिए, स्कूल के अंदर कोई भी क्रिया होती है, सिर्फ एकेडमिक से रिलेटेड नहीं, सिर्फ पढ़ाई से रिलेटेड नहीं, उसके अलावा भी कोई भी, चाहे प्रोग्राम हो, कोई एक्टिविटी हो, हर चीज यहाँ पे करिकुलम जो होता है यानी कि पाठ्यक्रम, वो निर्धारित करता है। जैसे क्या, कब और कैसे पढ़ाना है, यह कौन निर्धारित करता है? ये निर्धारित किया जाता है पाठ्यक्रम के, यहाँ पे पाठ्यक्रम के थ्रू। देखिए, पाठ्यक्रम का मतलब क्या होता है ये समझना जरूरी है। जैसा कि आपने इतना तो समझ लिया कि जो भी यहाँ पे क्रियाएं स्कूल के अंदर होती हैं वो पाठ्यक्रम के तहत होती हैं, ठीक है। लेकिन पाठ्यक्रम का अर्थ क्या है? देखिए, पाठ्यक्रम का अर्थ होता है दौड़ का मैदान। ऐसा दौड़ का मैदान अर्थात विद्यार्थियों द्वारा इस रेस में हिस्सा लिया जाता है। एक ऐसी रेस है जिसमें विद्यार्थी दौड़ते हैं, ठीक है। क्यों दौड़ते हैं? एक गोल पे पहुंचने के लिए, अपना एक उनका मकसद होता है उसको हासिल करने के लिए इस दौड़ के मैदान में दौड़ते हैं। इंग्लिश में मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करूं तो करिकुलम का मतलब होता है रेस कोर्स, ठीक है, जिस रेस कोर्स पे बच्चे रन करते हैं टू अचीव अ गोल, ठीक है। तो ये है करिकुलम का मतलब। करिकुलम जो शब्द है ये लैटिन वर्ड से डेराइव्ड है, करिकुला, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। पाठ्यक्रम एक शिक्षा का आधार है जिसकी राह पर चलकर शिक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति की जाती है। देखिए, शिक्षा के अंदर बहुत सारे उद्देश्य होते हैं, ठीक है, कि बालकों में ये परिवर्तन आए, वो परिवर्तन आए, तो उन सब उद्देश्यों की पूर्ति करिकुलम के तहत की जाती है। पाठ्यक्रम के अनुसार ही अपना अधिगम कार्य करते हैं। पाठ्यक्रम द्वारा ही विषयों को क्रमबद्ध तरीके से किया जाता है। समाज की आवश्यकता को देखते हुए ही किसी भी पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाना आवश्यक है। विद्यालय में आयोजित होने वाले समस्त कार्यक्रम को हम पाठ्यक्रम के रूप में ही देखते हैं। जैसा कि मैंने बताया, ऐसा नहीं है कि इसमें सिर्फ एकेडमिक है, विद्यालय के अंदर कुछ भी आयोजित हो रहा है, कोई कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, लेट से स्पोर्ट्स डे है, एनुअल डे है, और या और कोई प्रोग्राम है, ये सब पाठ्यक्रम के अंदर आता है। चाहे कितनी भी छोटी से छोटी एक्टिविटी हो, कितनी भी बड़ी से बड़ी क्रिया हो, सभी कुछ यहाँ पे पाठ्यक्रम के अंदर होता है। पाठ्यक्रम की परिभाषा, ठीक है, यहाँ पे देखिए कुछ परिभाषाएं मैं आपको दिखाऊंगी। आपको अपने पेपर में केवल दो परिभाषाएं लिखनी है, जो भी आपको यहाँ पे आसान लगे परिभाषाएं आप वो चुनकर अपने पेपर में लिख सकते हैं। पहली यहाँ पे दी गई है कनिंघम महोदय के अनुसार। यह कहते हैं कलाकार शिक्षक के हाथ में, मतलब कलाकार कौन है, यहाँ पे शिक्षक है, उसके हाथ में यह साधन है, कौन सा, पाठ्यक्रम है, जिससे वह पदार्थ यानी कि शिक्षार्थी बच्चों को अपने आदर्श उद्देश्यों के अनुसार अपने स्टूडियो क्या है, स्कूल में ढाल सके। तो कलाकार जो है वो बच्चों को ढालता है करिकुलम के थ्रू, पाठ्यक्रम के थ्रू, एक स्टूडियो के अंदर, स्टूडियो है स्कूल, ठीक है। तो काफी अच्छी डेफिनेशन यहाँ पे दी गई है। आगे देखते हैं, आगे यहाँ पे अगली डेफिनेशन दी गई है मुनरो महोदय के अनुसार। पाठ्यक्रम में वे सब क्रियाएं सम्मिलित हैं जिनका हम शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु विद्यालय में उपयोग करते हैं। फिर यहाँ पे पाल हीस्ट महोदय के अनुसार एक डेफिनेशन दी गई है, परिभाषा दी गई है, जो कि कुछ इस प्रकार से है, उन सभी क्रियाओं का प्रारूप
जिनके द्वारा शैक्षिक लक्ष्यों का उद्देश्यों को प्राप्त कर लेंगे वह पाठ्यक्रम है। ठीक है, तो जो भी आपको यहाँ पे दो अच्छी लगती है आप वो लिख सकते हैं। इसके अलावा अगर और भी कोई यहाँ पे आपको परिभाषा मिलती है अपनी बुक में या और कहीं से तो वो भी आप चुनकर लिख सकते हैं। सिर्फ दो लिखनी है, बहुत सारे देखिए ऐसे फिलोसोफर्स हैं जिन्होंने अपनी अपनी यहाँ पे परिभाषाएं दी हैं, तो आप किसी की भी परिभाषा लिख सकते हैं, केवल दो आपको पेपर में लिखनी है। आगे है यहाँ पे पाठ्यक्रम की विशेषताएं। देखिए पाठ्यक्रम परिवर्तनशील है, ठीक है, मतलब इसमें परिवर्तन लाया जा सकता है। आप देखते होंगे कि करिकुलम चेंज होता रहता है, ऐसा नहीं है हमेशा सेम रहता है। जैसे जैसे देखिए अनुसार वक्त के अनुसार इसकी रिक्वायरमेंट होती है उस हिसाब से इसमें चेंजेस यानी कि परिवर्तन भी लाए जाते हैं, बदलाव किए जाते हैं। दूसरा है शिक्षा के उद्देश्यों के आधार ही पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है। देखिए जिस प्रकार की शिक्षा देनी होती है बच्चों के अंदर, जिस प्रकार से हम शिक्षा के उद्देश्यों को निर्धारित करते हैं उसी हिसाब से करिकुलम को फ्रेम किया जाता है, इसका भी निर्माण किया जाता है। ठीक है, पाठ्यक्रम के द्वारा ही छात्रों के व्यक्तित्व का विकास किया जाता है। देखिए इससे जो है बच्चों के यहाँ पे व्यक्तित्व का भी विकास होता है, उनकी पर्सनालिटी का भी डेवलपमेंट होता है। देखिए आपने कभी देखा होगा कि पाठ्यक्रम के अंदर मॉरल वैल्यूज लाइक योगा वगैरह ये सब भी डाला जाता है ताकि बच्चे शांत रहें, उनके अंदर सोशल वैल्यूज आए, एक सामाजिक इंसान बने, राइट। और यहाँ वाला इसका एग्जाम्पल दूं, जैसे कि शिक्षा का उद्देश्य है कि बच्चे को एक सामाजिक इंसान बनाना, तो यहाँ पे करिकुलम में कुछ ऐसी स्टोरीज वगैरह डाल दी जाएंगी कि जिसके लाइक बलबूते पे हम बच्चों के अंदर जो शिक्षा का एम है, कौन सा एम, कौन सा उद्देश्य है कि बच्चे को सामाजिक इंसान बनाना वो अचीव कर सके। तो इस तरीके से जो हमारे उद्देश्य होते हैं शिक्षा के उसी आधार पर हमारा निर्माण होता है पाठ्यक्रम का। ठीक है, आई थिंक आपको ये अब अच्छे से समझ आया होगा। चौथा है यहाँ पे पाठ्यक्रम को क्रियान्वित रूप विद्यालय एवं शिक्षकों द्वारा दिया जाता है। देखिए इसको अब यहाँ पे लाइक देखिए किसी ने तो आपको दे दिया, जैसे कि एनसीईआरटी आज के टाइम में यहाँ पे पाठ्यक्रम को बनाती है, निर्धारित करती है, उसका निर्माण करती है। इसके बाद इसको रन कौन करता है, इसको रन करता है स्कूल और वहाँ के टीचर्स, ठीक है, जो इसको अपने विद्यालय में जैसे कि एनसीईआरटी के इंस्ट्रक्शंस होते हैं, एनसीईआरटी का पाठ्यक्रम होता है यानी कि करिकुलम, उसके अनुसार क्रियाएं करते हैं। पाठ्यक्रम द्वारा छात्रों के व्यवहार बिहेवियर में वांछित परिवर्तन लाया जाता है। देखिए इससे बच्चों के व्यवहार में तो चेंज आएगा ही, क्योंकि यहाँ पे एक करिकुलम सेट है, एक पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया है जिसके अनुसार बच्चों को पढ़ना लिखना है और बाकी की भी गतिविधियां करनी है, क्रियाएं करनी है, सही बात। देखिए करिकुलम पाठ्यक्रम बेसिकली आया क्यों था, आप ये समझिए अगर एनसीईआरटी आज के टाइम में करिकुलम नहीं देगी, ठीक है, कोई फिक्स्ड करिकुलम नहीं होगा, तो कोई स्कूल कुछ पढ़ा रहा होगा, दूसरा स्कूल कुछ और पढ़ा रहा होगा, मतलब सेम चीजें नहीं होंगी। आज के टाइम में इंडिया में हर जगह सेम पाठ्यक्रम है, स्टेट टू स्टेट बस थोड़ा बहुत डिफर करता है, अदरवाइज चीजें सेम है, क्लास के अनुसार चीजें सेम है कि क्लास वन में ये पढ़ाया जाएगा, क्लास टू में ये, चौथी में ये, पांचवी में ये, एंड सो ऑन। तो ये किसने निर्धारित किया है, ये निर्धारित किया है करिकुलम ने, पाठ्यक्रम ने। इसी प्रकार से आज के टाइम में एक्टिविटीज होती हैं बहुत सारी, इसके साथ साथ देखिए स्पोर्ट्स डे, एनुअल डे, ये चीजें भी होती है, तो ये सब देखिए पाठ्यक्रम की ही देन है। तो हर स्कूल में ऐसा नहीं है कोई स्कूल इन चीजों को कि एक्टिविटी कराता ही नहीं है, बच्चे आएंगे पढ़ेंगे और चले जाएंगे, ऐसा नहीं है। ये सब चीजें एक्टिविटी वगैरह जो डालता है ये पाठ्यक्रम डालता है, और इससे जो है एक यहाँ पे मान्यता बनी हुई है हर एक स्कूल में, हर एक राज्य के स्कूल में और हमारे पूरे देश के स्कूलों में, सही बात। आगे चलते हैं,
पाठ्यक्रम के द्वारा छात्रों का में समस्या समाधान की प्रवृत्ति में वृद्धि होती है। देखिए, पाठ्यक्रम को कुछ इस हिसाब से सेट किया जाता है कि बच्चे प्रॉब्लम सॉल्विंग नेचर के बने, मतलब कोई समस्या आई तो उसके समाधान करने हेतु बने। ठीक है, तो ये चीज बच्चे के अंदर, देखिए बहुत सारे सब्जेक्ट है, मैथमेटिक्स हो गया यानी कि गणित, साइंस हो गया यानी कि विज्ञान, इनके थ्रू स्पेशली यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल बच्चे के अंदर समस्या समाधान विधि से उनको पढ़ाया जाता है और यही चीज बच्चे के अंदर इनकलकेट की जाती है, ढाली जाती है। आगे है यहाँ पे पाठ्यक्रम के द्वारा ही छात्रों में ज्ञानात्मक, भावनात्मक एवं क्रियात्मक कुशलताओं का विकास किया जाता है, जो कि हमारे ये तीन प्रकार के क्या हैं, ये तीन प्रकार के हमारे उद्देश्य होते हैं किसी भी पाठ के, तो इनका विकास भी किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गए हमारे सात विशेषताएं। इनमें से केवल आपको छह अपने पेपर के लिए लिखनी है, जो भी आपको याद रहती है या आसान लगती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे है कि पाठ्यक्रम निर्माण की प्रक्रिया क्या है। पाठ्यक्रम का निर्माण छात्रों के ज्ञानात्मक, भावनात्मक एवं क्रियात्मक यानी कि कॉग्निटिव, मानसिक, यहाँ पे अफेक्टिव भावनात्मक और एप्लीकेशन हमारा क्रियात्मक। ठीक है, कॉग्निटिव ज्ञानात्मक हो गया, तो इसके लिए इस पक्ष के विकास के आधार पर किया जाता है। ठीक है, देखिए निर्माण उसी हेतु होगा कि आजकल के बच्चों को क्या चीज की जरूरत है। ठीक है, और क्या चीज बच्चों में लुप्त होती जा रही है, किस प्रकार से हमें बच्चों के अंदर अपनी प्रकृति और बहुत सारी चीजें, देखिए यहाँ पे निर्माण में सिर्फ एक ही चीज नहीं देखी जाती है। जो यहाँ पे पाठ्यक्रम का निर्माण करते हैं वो लोग बहुत कुछ सोच समझ के, पूरी टीम होती है, ऐसा नहीं है एक बंदा कर देगा, एक इंडिविजुअल कर देगा, पूरी टीम होती है, सलाह मशवरा करके वहां पे कहीं जाके फिर पाठ्यक्रम का निर्माण होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। समाज की परिस्थितियों को ध्यान में रखकर ही पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है। पाठ्यक्रम के निर्माण से पहले उसकी रूपरेखा तैयार की जाती है कि किस प्रकार का पाठ्यक्रम यहाँ पे होगा, यानी कि एक ब्लूप्रिंट उसका तैयार कर लेना। पाठ्यक्रम के अनुसार शिक्षण विधि, देखिए हमारी शिक्षा में विधि कैसी होगी यानी कि टीचिंग मेथड कैसे होगा वो भी यहाँ पे डिसाइड किया जाता है, और साथ में उसका विकास हो, यह पाठ्यक्रम यह भी हमारा जो पाठ्यक्रम निर्माण करते हैं वो इस चीज का भी ध्यान रखते हैं। पाठ्यक्रम के निर्माण के बाद उसका मूल्यांकन भी किया जाता है। देखिए मूल्यांकन बहुत जरूरी है हर एक टीचिंग के आखिर में, हर एक कक्षा के बाद, ताकि पता चले कि टीचर ने कितने अच्छे से पढ़ाया है या नहीं और बच्चों को कितने अच्छे से समझ आया है या नहीं। ठीक है, पाठ्यक्रम के निर्माण विशेष विशेषज्ञों एवं बुद्धि जातियों, जो कि इंटेलेक्चुअल्स हमारे होते हैं, उनके द्वारा की जाती है। देखिए यहाँ पे ये वो लोग होते हैं जिनको बहुत एक्सपीरियंस होता है। ठीक है, टीचिंग में बहुत एक्सपीरियंस होगा और बहुतों ने इनमें से PhD की हुई होती है। ठीक है, और कम से कम ना बोलो तो आप 15-20-25 साल तक का इनको टीचिंग में एक्सपीरियंस होता है। तो कुछ ऐसे लोग बैठ के, ठीक है, जिनका अलग ही तरह का दिमाग होता है, मतलब एक अलग ही तरीके से और बच्चों के पर्सपेक्टिव से सोच पाते हैं, उनको आज के युग की सच्चाई पता है और किस प्रकार से आज के बच्चे पढ़ेंगे वो पता है, तो वो लोग बैठ के इसका निर्माण करते हैं। ठीक है, जो बहुत ही बुद्धि, यहाँ पे देखिए लिखा है बुद्धिजीवियों यानी कि इंटेलेक्चुअल्स, विशेषज्ञ, ठीक है, उनके द्वारा किया जाता है। फिर है यहाँ पे पाठ्यक्रम के निर्माण करते समय मनोवैज्ञानिक, सामाजिक एवं दार्शनिक आधारों को भी ध्यान रखते हुए ही पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है कि बच्चों के अनुसार हो हर चीज, तो इसलिए यहाँ पे ये चीजें भी देखी जाती हैं। पाठ्यक्रम के उद्देश्य एवं उचित उद्देश्यों का चयन करना जो छात्रों के बौद्धिक विकास के लिए लाभदायक हो। ठीक है, तो बच्चों का, देखिए बच्चों का सिर्फ बौद्धिक विकास ही नहीं, ओवरऑल डेवलपमेंट हो, बच्चे का हर प्रकार से विकास हो, वो यहाँ पे चीज देखी जाती है पाठ्यक्रम के अंदर, और उसी हिसाब से यहाँ पे पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है। ठीक है, अब पढ़ेंगे हम पाठ्यक्रम के उद्देश्य क्या क्या होते हैं। ठीक है, पाठ्यक्रम के उद्देश्य छात्रों के ज्ञानात्मक, भावनात्मक एवं क्रियात्मक पक्ष का विकास करना है। पाठ्यक्रम के उद्देश्यों छात्रों के व्यक्तित्व का विकास करना है।
ठीक है। देखिए अभी आपको आसान लगेंगे क्योंकि आपने टॉपिक समझ लिया है, ठीक है। अब उद्देश्य आपको आसान लगेंगे और उद्देश्य जो है विशेषताओं से ही मेल खाते हैं, ठीक है। अगला है पाठ्यक्रम का उद्देश्य छात्रों में सामाजिक उत्तरदायित्व और सामाजिक भावनाओं का विकास करना है। देखिए एक ह्यूमन बीइंग, एक इंसान यहाँ पे एक सामाजिक इंसान बन सके, यानी कि ह्यूमन से सोशल बीइंग बन सके, यह हमारे यहाँ पे एजुकेशन का, करिकुलम का एक बहुत बड़ा मोटिव होता है। देखिए बेसिकली यहाँ पे पाठ्यक्रम या एजुकेशन इसलिए ही है कि बच्चे को हम एक सामाजिक इंसान बना सके, कि वो सामाजिक उत्तरदायित्व समझे, ठीक है। अगला यहाँ पे है पाठ्यक्रम के द्वारा छात्रों की जीविकोपार्जन योग्य बनाना, ठीक है, मतलब वो अपनी जीविका यहाँ पे चला सके उस योग्य बनाना, छात्रों को के समझने के स्तर पर आसान हो, ठीक है, मतलब बच्चे अच्छे से आसानी से समझ सके, और छात्रों के व्यवहार में श्रेष्ठता लाना, ठीक है, बच्चों के बिहेवियर में मॉडिफिकेशन हो या चेंजेस हो, ठीक है। फिर देखिए कुछ इस प्रकार से आपको निष्कर्ष भी लिखना होता है, तो अगर आप लिखना चाहते हैं आखिर में निष्कर्ष तो जरूर लिखें, क्योंकि निष्कर्ष लिखने से आपका जो आंसर होता है वो इफेक्टिव बन जाता है और अच्छे अंक आपको यहाँ पे मिलते हैं। तो अगर आप निष्कर्ष लिखना चाहते हैं तो कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं, और जो स्टूडेंट्स निष्कर्ष को अवॉइड करना चाहते हैं, कंक्लूजन को, तो वो बिल्कुल अवॉइड भी कर सकते हैं, ठीक है। बट मेरा सजेशन यहाँ पे आप सभी को रहेगा इसको लिखें, ठीक है। तो ये था हमारा टॉपिक आज का, पाठ्यक्रम का अर्थ हमने किया, परिभाषा हमने पाठ्यक्रम की विशेषताएं की, प्रक्रिया की हमने, और साथ में पाठ्यक्रम के उद्देश्य किए। मैं उम्मीद करती हूँ आज का ये लेक्चर आप सभी को पसंद आया होगा। इससे रिलेटेड अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या कोई टॉपिक मैंने छोड़ दिया हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं डेफिनेटली उस पर भी आपको एक क्लास नोट्स प्रोवाइड करा दूंगी। आज की कक्षा के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, धन्यवाद।